अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वाजिद रज़ा फ्रॉम अस्टैन एजुकेशन कंसल्टेंट। और आज फिर हम लोग जब आप लोगों के साथ मौजूद हैं एक नई यूनिवर्सिटी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि जो प्लान कर रहे हैं अपना सितंबर इनटेक, लेकिन कुछ वजहों की वजह से वो अभी तक अपना कोर्स सिलेक्शन या यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन नहीं कर सके। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप लोगों के लिए कि जो पूरे यूके के अंदर बेबहा अपने कैंपसेस के साथ और बल्कि जर्मनी में भी अपने कैंपस के साथ मौजूद है। तो जी हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम हमेशा की तरह सबसे आखिर में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो मैं आपके साथ जब सबसे पहले शेयर करता हूँ। जी ये यूनिवर्सिटी हमें ऑफर कर रही है फाउंडेशन प्रोग्राम्स के साथ साथ आप लोगों के बैचलर प्रोग्राम्स और मास्टर प्रोग्राम, मोर देन 24 प्रोग्राम्स है वो आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। और ख़ास तौर पे हमारे वो तमाम स्टूडेंट जो अपना लॉ यहाँ से कम्प्लीट कर चुके हैं और LLM के लिए आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, या वो तमाम स्टूडेंट जो LLB के लिए अपनी फर्दर एजुकेशन प्रोसीड करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। देन जी बात आती है आप लोगों के लिए जो कंसर्न होता है हमेशा हमारे स्टूडेंट्स का, वो होती है जी आप लोगों की ट्यूशन फ़ीस। तो ट्यूशन फ़ीस आपको विद इन लंदन मिलेगी जी सिर्फ 12,000 पाउंड। जी सिर्फ 12,000 पाउंड जो है वो विद इन लंदन आपको ये ऑप्शन दे रहा है। विद इन लंदन भी ऑप्शन अवेलेबल है, आउट ऑफ लंदन बर्मिंघम मैनचेस्टर लूटन लीड्स में ये इनके कैंपसेस जो है वो आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जी आप लोगों का गैप, ये गैप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो गैप इस टाइम पे जो यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं वो राउंड अबाउट 5 to 6 ईयर का गैप आप लोगों के लिए एक्सेप्टेड है। देन बात आती है जी आप लोगों का लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट, जिसको फुलफिल करना तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही है लैंग्वेज सर्ट, लेकिन इस दफ़ा आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपना पैटर्न। आप जो लैंग्वेज सेट करेंगे वो आप ऑनलाइन करेंगे, लैंग्वेज सर्ट आपने जो करना है वो सर्ट वर्जन किसका करना है। और इसके अलावा जो आपका आइट्स हमेशा की तरह 6.5 ओवरऑल नॉन लेंस एंड 6, बेहतर ये होता है कि वो तमाम स्टूडेंट जो आइट्स की तरफ जा रहे हैं और यूके को परसू करना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश किया करें कि आइट्स यूके VI को ही प्रमोट करें और उसको वही आप जो है वो एक्सेप्ट भी करें और टेस्ट अपना आयुष यू की VI दिया करें। इसके अलावा PTE की रिक्वायरमेंट सेम वही आप लोगों के 64 मिनिमम जो है वो 59 होनी चाहिए, इसको जो है वो आप आगे लेकर चल सकते हैं। ऑफर लेटर का जो टाइम है वो राउंड अबाउट, कोशिश यही होती है कि जितना जल्दी आ सके, लेकिन 4 वीक्स बड़ा नॉर्मल एक टाइम है जो कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो 4 वीक्स में आपका, 4 to 6 वीक में आपका ऑफर लेटर जो है वो आप लोगों के जो नोटिफिकेशन है उसमें ज़रूर जो है वो आ जाएगा। और फीस की बात करते हैं, इसके बाद इनिशियल डिपॉजिट हमेशा से स्टूडेंट्स का कंसर्न रहा है, तो उसके हवाले से अगर बात की जाए तो इसका इनिशियल डिपॉजिट 3,000 का इनिशियल डिपॉजिट है। रिमेनिंग जो आपकी फ़ी है उसकी इंस्टॉलमेंट्स आपकी 3 to 4 बन जाती हैं, ये जिसमें पर आपका प्रोसेस चल रहा होता है, तो इंस्टॉलमेंट्स आपकी यहीं पाकिस्तान से ही जनरेट हो जाएंगी। इसके बाद आप आगे जाके फर्दर अपनी इंस्टॉलमेंट्स को पे कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। मज़े की बात ये कि बैचलर्स के अंदर भी इसका जो आप लोगों का इनिशियल डिपॉजिट है वो 3,000 पाउंड ही है। फर्दर बात करते हैं कि जी कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास होंगे, तो बिल्कुल जी मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, साइकोलॉजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, और इसके अलावा कुछ आपके पास जो है वो डेटा के कोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ कोर्सेज आप लोगों को लॉ के विवाह कोर्सेज जो वो इसमें मिल जाएंगे। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ की तरफ अपना प्लान कर रहे हैं तो वो ज़रूर इस ऑप्शन को भी चूज़ करें। वह जी बात आती है इसके बाद कि आप लोगों ने कब तक अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है, तो हमेशा हमारी रिक्वेस्ट ये होती है कि सितंबर इनटेक की क्लोज होने का वेट ना करें, क्योंकि डेली बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो जाती हैं, बल्कि काफ़ी सारे कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के भी जो सितंबर इनटेक है उसके लिए क्लोज हो चुके हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग एज अर्ली एज पॉसिबल अपना जो प्लान है वो DCN लें, क्योंकि इस टाइम पर टाइम बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। तो बात करते हैं यानी ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये है जी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ।
जो बड़ी ही महदूद टाइम के लिए अब आप लोगों के पास मौजूद है, कोशिश करें कि इस वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक तक जो है वो अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं इसके लिए वीडियो पहले से जनरेट कर दी गई है आप लोगों के लिए, वो भी आप लोगों के पास जो है वो आप लोगों को शो हो जाएगी। फ्री असेसमेंट के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं, हमारे ई मेल पर आ सकते हैं, आप हमें जो वो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बल्कि अगर आप नीचे कमेंट में अपनी प्रोफाइल भी अगर अपने आप व्हाट्सएप जनरेट कर लेंगे तो हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। वैसे जी बहुत शुक्रिया आज की ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और जितना जल्दी हो सके अपना केस प्रोसीड करें। अल्लाह ताला आप लोगों का आमियाना से जजाक अल्लाह।